वेलकम ते सत श्री अकाल सारा दा जी। साडे एमकन इमीग्रेशन दे यूट्यूब चैनल ते मेरा नाम प्रितिपाल सिंह गिल। बड़ी इंपॉर्टेंट जिहड़ी गल करनी आ जिस वीडियो दे विच ओह हैगी आ जनवरी 2021 इनटेक नूं लैके, जिथे बड़ी डिफिकल्ट जी सिचुएशन बनी हुई आ कि किन्ने स्टूडेंट्स इन रियालिटी हुण कैनेडा दे विच जाके पढ़ पाउणगे। समा बड़ा घटता जा रहा वा। अज आपां नवंबर दे एंड दे विच बैठे आ और हाली अपने कोल 20 दिन रह गए ने दिसंबर के जिहड़े एक्चुअल च वर्किंग डेज ने जिथे हाई कमीशन ने काम करना वा। बाकी कुछ छुट्टियां त्यौहारों लैके क्रिसमस में लैके ने, बाकी वीकेंड्स ने जो निकल जाते हैं। सो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आ साढ़े को भी, साढ़े स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं इस चीज़ को। और हुण पासपोर्ट सबमिशन दी रिक्वेस्ट भी आ रही ने, प्लस बहुत सारे स्टूडेंट्स दे बायोमैट्रिक भी शड्यूल हो रहे हैं। साढ़े कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी बायोमैट्रिक दे चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने बायोमैट्रिक दी डेट ले ली है, शड्यूल कर लिया वा। ये प्रोसैस तो ठीक आ, बट साइमलटेनियसली जी पासपोर्ट जी रिजल्ट्स ने कंप्लीट फाइल्स के उपर जो आप पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट कह दें वो बहुत स्लो ने अज की डेट के। एंड मोरओवर अगर किसी को पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट आती भी आ तो जो टू वे कोरियर आ जी वो ईमेल आ वो बहुत बहुत दिन नहीं आती। हम साढ़े को स्टूडेंट इतने 10-10, 12-12 दिन दो दो हफ्ते हो गए हैं स्टिल पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट आने तो बाद टू वे कोरियर की ईमेल नहीं आई। उस तो बिना आप पासपोर्ट सबमिट नहीं करा सकते, आप जानते हैं। सो बड़ी दुचित्ती वाली सिचुएशन आ, बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन आ स्टूडेंट्स लिए, खास तौर पर साढ़े भी बहुत काम वध्या हो इस टाइम के उपर। बार बार स्टूडेंट्स को डैफर लेनी पै रही है, सानू डैफर अपलोड करनी पै रही है, बहुत एक्सट्रा वर्कलोड आ और बहुत स्ट्रैस भी हैगी है इस टाइम के उपर। हम बड़ी चिंता यह बनी हुई है कि किन्ने स्टूडेंट्स जनवरी इनटेक इन रियलिटी जा पाएंगे, जिन्हें कंप्लीट फाइल्स है ने, पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट का कंप्लीट फाइल होने के बावजूद कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। साढ़े को भी हजे काफ़ी स्टूडेंट्स है, हम बायोमैट्रिक हो रहे हैं, इन रियलिटी ये स्टूडेंट्स का रिजल्ट कद आऊगा वेरी डिफिकल्ट टू से, क्योंकि जिहड़े प्रोसैसिंग ऑफिसर्स ने चाहे वह न्यू दिल्ली हाई कमीशन हो चाहे वह कैनेडा दे विच हो, बहुत घट लोग ने और जिहड़ा वर्क प्रैशर वह बढ़ता जा रहा वा। फाइल्स पाइलअप होंदिया जा रही ने, स्टूडेंट्स दी फाइल नैक्सट इनटेक दी पुरानियां, ओपन वर्क परमिट के कैंडीडेट्स ने, फैमिली क्लास के बहुत सारे कैंडीडेट्स ने, PR के बहुत सारे कैंडीडेट्स ने, बहुत वर्कलोड आ। मैं समझ नहीं आता कि आने टाइम के किदा हाई कमीशन इन्ने वर्कलोड से काम करेगी, क्योंकि जिदा लग रहा वा कि जी ये कोविड की सिचुएशन आ जिदा बिगड़ रही आ। सर्दियों के मैं लगता कि आने वाले 2-3 महीनों के भी काम स्लो ही रहेगा टिल फैबररी। तो किदा स्टूडेंट्स किदा जा पाएंगे अगर हुण जनवरी के स्टूडेंट्स मैक्सिमम नहीं जाते, वो डैफर लेंदे ने, तो इहदा असर बहुत पाऊगा मई ते सितंबर 2021 दे इनटेक के उपर, क्योंकि मई एक तो छोटा इनटेक हुंदा वा, उहदे च इन्ने कोर्सेज रन नहीं हुंदे, प्रोग्राम्स रन नहीं हुंदे। बहुत सारे कॉलेज तो बहुत घट प्रोग्राम्स रन करते हैं, टैक्नीकल प्रोग्राम्स बहुत जगह पर बिल्कुल नहीं हुंदे हैगे। तो हुण जो स्टूडेंट कोई डैफर लेगा कि उन्होंने मई की डैफर मिलेगी या नहीं मिलेगी, कुछ यह जे प्रोग्राम ने जिते डैफर उन्होंने सितंबर की मिलनी है स्टूडेंट, बहुत वक्त खराब होगा। और जो स्टूडेंट्स हम जनवरी तो मई डैफर लेंदे ने, जिदा मैं लगता कि 60-70% स्टूडेंट्स में लेनी पैनी है। तो जोड़े नवे स्टूडेंट्स ने जो फ्रैश केसिज ने, जोड़ा स्टूडेंट्स ने हूँ 12th की है या ग्रैजुएशन की है, जो IELTS कर रहे हैं या उन्होंने टाइम पर करे, उन्होंने बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अगे एडमिशन लैना, क्योंकि कॉलेज भी बड़ा मुश्किल होगा, नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड होंगे ने। तो बड़ी दोचित्ती वाली बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन आ और स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं, तो आंसर किसी को नहीं है, ईवन कॉलेज कोई आंसर नहीं है, साढ़े कोई आंसर नहीं है, हाई कमीशन कोई आंसर मैं नहीं लगता कि है वा। बार बार साढ़े रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी देवर अनएबल टू गिव सैटिस्फैक्टरी आंसर। तो मैं लगता वे कि सिर्फ 25-30% स्टूडेंट इन रियालिटी जनवरी इनटेक लिए इनटेक के स्टूडेंट्स कैनेडा में जाके पढ़ पाएंगे, बाकी स्टूडेंट्स को डैफर ही लेना पैना वा, कोई होर चॉइस नहीं हैगी। और पेशेंस हालांकि बार बार कहते आ रहे हैं बड़ा मुश्किल है पेशेंस रखना, साढ़े बड़ा मुश्किल आ, बट पेशेंस रखने तो अलावा मैं लगता नहीं कोई होर चारा है वा। सो डिफिकल्ट सिचुएशन इट इज़, लेट्स सी कि हाई कमीशन की करता वा, खास तौर पर जब तुम्हारे दिसंबर वेकेशन खत्म होंगे ने, उस तो बाद क्विकली इन चीज़ों प्रोसैस करते हैं, क्योंकि जिन्ना डिले करते जाएंगे उन्ना ही वर्कलोड पाइलअप होंगे जाऊगा और उन्ना ही जिहड़ा वर्क प्रैशर आ वधदा जाऊगा उन्हां दे उपर, और अगे आने वाले इनटेक जिहड़े हैगे ने वो बहुत अफैक्ट होणगे। अगर ये सिचुएशन ईज़ आउट हो जाती है मार्च तो बाद, तो जिहड़े उस तो अगे जिहड़े स्टूडेंट्स ने आना वा, उन्होंने लिए बड़ा डिफिकल्ट काम टाइम होगा।
और ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स है ने बड़े बहुत मुश्किल टाइम चो निकल रहे हैं, आप सारे ने ओपन वर्क परमिट के कैंडिडेट्स बहुत मुश्किल टाइम चो निकल रहे हैं, जिन्हें स्पाउसिस बड़े ईगरली वेट कर रहे हैं कैनेडा के कद उन्होंने स्पाउस उन्होंने ज्वाइन करे, उन्हें रिजल्ट भी बहुत पेंडिंग पे ने। सो वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन इट इज़, बड़ा मुश्किल है कहना कि होगा या की नहीं होगा, बट एनी हाउ देखते हैं कि सिचुएशन कितना डिवेलप होती है। बाकी असी रेगुलरली इन टच हाँ आपके स्टूडेंट्स के नाल भी, असी आपके क्लाइंट्स के नाल भी रेगुलरली इन टच हाँ। तुसी आप भी कोई एप्लीकेशन प्रोसेस करवाना चाहते हो, किस तरह की सलाह लेना चाहते हो, जरूर सानू तुसी कॉल कर सकते हो, साडे नंबर इतने उपर डिस्प्ले हो रहे हैं इस प्रोग्राम के नीचे डिस्क्रिप्शन के साडे नंबर भी है, साडे एड्रेसिस भी है, साडी वैबसाइट हैगी mkanimmigration.com, उत्थे साडे फोन नंबर चैक कर सकते हो, ईमेल चैक कर सकते हो, ते इस तो अलावा उत्थे मैसेज बॉक्स हैगा, सानू उत्थे मैसेज भी कर सकते हो, मिलना चाहते जरूर अपॉइंटमेंट लैके तुसी मिल भी सकते हो। मैं एक होर रिक्वेस्ट करूँगा कि साडा ये पेज तुसी जरूर लाइक करो, साडा सबसक्राइब करो इस यूट्यूब चैनल में, साडा फेसबुक पेज उन्होंने लाइक करो, ताकि अगला टाइम तो इसमें होर बड़ी इंपोर्टेंट जी इनफॉर्मेशन रेगुलरली अपडेट देते रहिए। थैंक यू, सत श्री अकाल सारे।